उत्तर प्रदेश सरकार में खुद भाजपा के नेता अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भटक रहे हैं। उनका कहना है कि आतंकवादियों की तरह लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन शिकायत करने पर सुनने वाला कोई नहीं। थाना सरैनी तहसील लालगंज के हमीर गांव निवासी और भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष पूर्व CRPF सब इंस्पेक्टर मंगल प्रसाद मिश्र गांव के ही 5 लोगों से अपनी जमीन बचाने की गुहार जिला कार्यालय में लगा रहे हैं। इनका कहना है कि गांव के ही रमन मिश्रा, आदित्य मिश्रा, महेश मिश्रा, सुरेश मिश्रा, दिनेश मिश्रा ने ऐलानिया धमकी देने के बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर गंदी गंदी गालियां दी, जिसकी लगातार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्व सैनिक का कहना है कि उसने अपनी नौकरी के बाद आज 15 से 16 साल तक बीजेपी पार्टी की सेवा की है, लेकिन उसी की सरकार में उसके ही कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त रायबरेली के पुलिस मुख्यालय पे हूँ, यानी कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हूँ। और हमारे साथ में देखिए, दो पीछे भगवा वस्त्र में दो व्यक्ति खड़े हैं। इनसे में ये जो बुजुर्ग हैं, इनकी समस्या है, इनकी समस्या ये है कि जो है इनकी जमीन पर बताते हैं कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, और अपने आप को जो है भाजपा का किसी प्रकोष्ठ का नेता भी बताते हैं। और लगातार इनका कहना है कि हम जिला स्तर से लेकर लगातार शिकायत करके थक चुके हैं। अब वो लोग जो है यहाँ की प्रशासन राजस्व टीम वहाँ पर न जा रही है, न मुझे न्याय मिल रहा। इन भाजपा नेताओं का जब ये हाल है तो आप अंदाजा लगाइए कि जो है जनपद में अन्य लोगों का क्या हाल होता होगा। अब इनसे हम परिचय पूछते हुए इनका जो है समस्या पूछेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल प्रसाद मिश्रा है, मैं भारतीय जनता में सैनिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ, जिला रायबरेली। क्या समस्या आपकी है? मैं जहाँ कार्यरत रहता हूँ हमेशा मीटिंग वगैरह करता था, जिले में ही निवास बना रखा है, कटियारी मंडी लखनऊ रोड में। और मैं अपने गाँव जाता हूँ, जहाँ गाँव में गाड़ी मेरी खड़ी करने की जो जगह थी उससे दूसरे लोगों ने आतंकवादियों की तरह ललकार करके कब्जा किया कि कल मैं आपके दरवाजे कब्जा करूंगा, जो भी आप प्रशासन प्रशासन भाजपा में जो ताकत पर लगा लेना वो मैं कल आपके दरवाजे शरंजा लगा करके सीमेंटेड करा दूंगा और उसको छोड़ूंगा नहीं। जो आपकी पुलिस प्रशासन DM SDM जो भी कार्रवाई करना मेरे को कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, आप सेना में भी थे? मैं CRPF में सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ, और आते ही यहाँ मैंने 15-16 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की है? मैंने सबसे पहले जिला अधिकारी के पास और जो पुलिस अधीक्षक के पास रिपोर्ट किया है, CO लालगंज के पास रिपोर्ट किया है, CO सिटी के पास रिपोर्ट किया है, और 4-5 रिमाइंडर 12 फरवरी को इन्होंने 11 को ललकारा था और 12 को उन्होंने कब्जा कर लिया। और मैं शरीर से अस्वस्थ हूँ, इसलिए बार बार जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दिया, इस कारण से भी नहीं अकेला हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे सब विदेश में। इनका कहना है कि जो है हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने धमकी दी कि मैं तुम्हारी जमीन पर या तुम्हारे जहाँ पर इनका कब्जा था वहाँ पर कब्जा करने जा रहा हूँ, और उन लोगों ने उसके दूसरे दिन कब्जा कर लिया, ये DM SP और जिले के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते रह गए। हमारे साथ में भाजपा के नेता हो रहे हैं, ये देखिए भाजपा के नेताओं का ये हाल है, तो जिले की आम जनता का क्या हाल होता होगा, यही दिखाने के लिए R9 भारत की टीम एक बार फिर पुलिस मुख्यालय पर आके खड़ी है। देखिए कि समस्या किस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर है। संदीप मिश्रा, रिपोर्ट।